हमने अफोरिज्म 5 से 8 का सेक्शन उठाया था, 5, 6, 7, 8 के डिमार्केशन बता दिए थे कि ये 5 to 8 टोटैलिटी में कहलाता है ब्लूप्रिंट ऑफ केस टेकिंग, और ये जो 5 में क्या है कॉज ऑफ द डिजीज बताया गया है, 6 में क्या है, 6 में बताया गया है आपका पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज कैसे निकालोगे, 7th में बताया गया है कि इस पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज जो आपने निकाली है, जो हमने कल सीखा कि हम कैसे निकालेंगे, अब इस पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज को जैसे मैंने कल बताया था कि ये इस पे प्रिस्क्राइबिंग पॉसिबल नहीं है, इस पे आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये अनफिल्टर्ड है, इसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, ये प्योर पिक्चर नहीं है, अडल्ट्रेटेड पिक्चर है, इसको अनअडल्ट्रेट करना पड़ेगा, और ये करने का प्रोसेस हमें बताता है अफोरिज्म 7। अब यही अफोरिज्म 7 में हम सीखेंगे कि ये जो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज हमने बनाई थी, इसको फिल्टर आउट करके अब हम कैसे ये टोटैलिटी ऑफ सिम्टम में कन्वर्ट करेंगे, ये हमें सीखना है 7th अफोरिज्म में। ठीक है, तो 7th अफोरिज्म चालू करते हैं। अब 7th अफोरिज्म में एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि जो एक बेसिक तुम इसके ऊपर एक हेडिंग डाल सकते हो कि 7th अफोरिज्म में बताया जा रहा है हाउ टू एनालाइज अ केस, एनालिसिस ऑफ केस कैसे करना है। ये जो अनअडल्ट्रेटेड पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज में से हम ये टोटैलिटी बना रहे हैं, ये फिल्टर आउट प्रोसेस करेंगे और कैसे होगी वो जो हम सीखेंगे, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एनालिसिस ऑफ केस। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस अफोरिज्म में हमें सिखाए जाएंगे, वो एक है एनालिसिस ऑफ केस, हाउ टू कन्वर्ट द पोर्ट्रेट इनटू द टोटैलिटी, और एक है आपका टोटैलिटी ऑफ सिम्टम कहते किसको है, ये टोटैलिटी ऑफ सिम्टम होता क्या है, एक ये कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। दो फुटनोट है इस अफोरिज्म में, एक रिलेटेड है आपका यही कॉज ऑफ केजनालिस से जो हम पढ़ेंगे क्या होता है, एक रिलेटेड है आपका टोटैलिटी ऑफ सिम्टम से। अब हम चालू करते हैं। नाउ एज इन अ डिजीज फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज, कॉजा ओकेजनलिस हैज टू बी रिमूव। अब यहां पर ये बोल रहा है, इसको कंफ्यूज मत करना कि ये बोल रहा है इसको नहीं रिमूव करना है, इसका कहने का मतलब है कि नाउ एज इन अ डिजीज, एक डिजीज में फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज, जिसमें से कोई मेंटेनिंग या एक्साइटिंग कॉज नहीं निकालनी है हमें, क्योंकि हम निकाल चुके हैं, इसलिए नहीं निकालनी क्योंकि निकालनी नहीं है, हमारा काम नहीं है ये, क्योंकि ये निकाल चुके हैं, ये हम सीखेंगे कैसे, अभी हम अफोरिज्म में जाएंगे, अरे फुटनोट में जाएंगे जब इसके, वी कैन परसीव नथिंग बट द मॉर्बिड सिम्टम्स, इसको निकाल दिया तो बाकी बचा क्या है, वो मॉर्बिड सिम्टम है। अब ये निकालना, ये कॉजा ओकेजनलिस होता क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये कॉजा ओकेजनलिस चीज क्या है। तुमको पहले अफोरिजम्स पढ़ाते समय एक कॉन्सेप्ट बताया था याद हो तो, हिपोक्रेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज या हेल्थ बताया था, जब हम डाइट एंड रेजिम वाली बात कर रहे थे, शायद 4th अफोरिज्म में हमने डिस्कस किया था ये, तो हमने बताया था कि ये हिपोक्रेट्स का मानना था कि ये जो डाइट एंड रेजिम है ना, यही कॉज ऑफ द डिजीज है, यही है जो डिजीज को ला रहे हैं, और ये इसको ही ठीक कर दोगे तो डिजीज ठीक हो जाएगी। पर हिपोक्रेट के कॉन्सेप्ट से हनीमैन का कॉन्सेप्ट डिफर करता है, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है, हनीमैन कहता था हाँ ये ला रहे हैं डिजीज को, डिजीज इन द सेंस कि ये मेंटेन कर सकते हैं, ये कॉज कर सकते हैं, पर ये रियल कारण नहीं है डिजीज के, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। डॉक्टर हनीमैन ऑन द अदर हैंड एक्सप्लेन टू अस दैट इफ डाइट एंड रेजिम इज नॉट मेंटेन, दैट इज नॉट द केस ऑफ डिजीज बट मेनली अ केस ऑफ मैनेजमेंट। ये डिजीज नहीं कहेंगे हम इसको, हम एक बेसिक मैनेजमेंट कहेंगे। ठीक है, 4 दिन से क्या हुआ, 4 दिन से मैं मोटा तकिया लगा के सो रहा हूं, आज मेरे गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, मोटा तकिया मत लगाओ, 4 दिन तकिया हटा के देखो, 4 दिन तक क्या हटा के देखा, ठीक हो गया, मैनेजमेंट कर दिया हमने, कल रात को बहुत एक्सेसिव खा लिया था, ठीक है आज क्या करो, हल्का खाओ, तहरी खिचड़ी कुछ बना लो, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, अच्छे से पानी पियो, शाम तक हेल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट कर दिया हमने। यहां पर मैनेजमेंट की जरूरत है, यहां पर कॉज तो है, वो गंदा खाना, उल्टा सीधा खाना, वो तकिया लगाना, वो एक्साइटिंग कॉज या है, या वो आगे जाके अगर हटाओगे नहीं तो वो मेंटेनिंग कॉज की तरह काम करेगा, पर अगर इसको हटा दोगे चीजें ठीक हो जाएंगी। अब यही जो है ना, यही हमें फिल्टर आउट करना है, ऑल द इंफॉर्मेशन गैदर्ड रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सिक इंडिविजुअल, जो कि हमने निकाली पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज में पिछले अफोरिज्म में, सारी इंफॉर्मेशन जो हमने गैदर करी थी वो सिक इंडिविजुअल से रिलेटेड,
हमने सब कुछ उठाया, कुछ फिल्टर नहीं किया था वहां पर, वहां हमने सारी चीजें उठा के रखी थी. शुड बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू डेफिनेट प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग टोटैलिटी ऑफ सिम्टम. अब इस चीज को प्रोसेस आउट करना है जिससे हम टोटैलिटी बनाएंगे, और वो एक डेफिनेट प्रिंसिपल्स पे प्रोसेस होती है. इंटेंशंस बिहाइंड द प्रोसेस इज टू मेक अ कलेक्शन ऑफ प्योर सिम्टम्स, दैट इज नेचुरल सिम्टम्स और अनअडल्ट्रेटेड सिम्टम्स. ये जो हम टोटैलिटी बना रहे हैं पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज से, इसका पर्पस यही है कि यहां जो अडल्ट्रेटेड सिम्टम्स है ना, यहां जो इम्प्योर सिम्टम्स है ना, इनको प्योर करना, इनको अनअडल्ट्रेट करना, और ये प्योरिटी ऑफ सिम्टम्स निकालना. और ये अनअडल्ट्रेट कैसे होंगी, कॉजा ओकेजनलिस को हटा के होंगी. एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज हटा दो, अगर उसके बाद चला गया तो चला गया, इनडिस्पोजिशन था, नहीं गया, एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज हट चुका है, उसके बाद भी अपने आप डिजीज मेंटेन कर रहा है, तो यहां पर ये बोलता है कि ये जो डिजीज मेंटेन कर रहा है और ये जो सिम्टम्स और साइंस आएंगे, दिस इज द प्योर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द केस. इसका कारण हट चुका है, इसको मेंटेन करने का कारण हट चुका है, फिर भी ये चला पड़ा है, फिर भी ये आपको एक्सप्रेस मैनिफेस्ट, यहां एक वर्ड लिखा है मैनिफेस्ट, ये मैनिफेस्ट का इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा. मैनिफेस्ट मतलब जो आप टेंजिबल है, जो आप देख सकते हो, वो कॉज, ऐसे कॉज एक्साइटिंग या मेंटेनिंग कॉज, जिसका भी हम फुटनोट में एग्जांपल्स पढ़ेंगे. हनीमन ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं जो टेंजिबल हैं, सारे ही एग्जांपल आप देख सकते हो, समझ सकते हो. वो चीजें हटा दोगे तो अपने आप चली जाएंगी, इनडिस्पोजिशन होंगी तो, नहीं गई तो फिर जो आ रहा है वो प्योर है, वो प्योर मॉर्बिड सिम्टम्स हैं, उसको उठाना है आपको. और यही एनालिसिस हमें सिखाती है, यही अफोरिज्म 7 हमें सिखाता है. और एंड इन द क्वेस्ट फॉर गेटिंग दीज प्योर सिम्टम्स यू मस्ट गो थ्रू द स्टेप्स मेंशन्ड इन अफोरिज्म 7, दैट इज रिमूवल ऑफ कॉजा ओकेजनलिस एंड दिस मेथड ऑफ फिल्टरिंग आउट ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज इन ऑर्डर टू गेट द प्योर टोटैलिटी ऑफ सिम्टम, जो हमने हेडिंग लिखवाई थी, इसी को कहते हैं एनालिसिस ऑफ केस. अब ये कॉजा ओकेजनलिस है क्या? कॉजा ओकेजनलिस को बोलते हैं ओकेजनल कॉज, एक्साइटिंग या मेंटेनिंग कॉज. और ये हटा दोगे तो डिजीज के, जो डिजीज कंटिन्यू कर रहा है उसके पीछे एक फंडामेंटल कॉज होगा, फिर वो आपकी वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट का प्योर साइन एंड सिम्टम्स है, वो प्योर मैनिफेस्टेशन है, वो अडल्ट्रेटेड नहीं है, वो किसी एक्साइटिंग या मेंटेनिंग कॉज की वजह से नहीं है, वो हट चुका है, वो है जो आपके अंदर की डिरेंजमेंट है, डायनेमिक डिरेंजमेंट है. 11th में हम पढ़ते हैं कि जो डिजीज होती है वो डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स से आती है, जो होम्योपैथिक का कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज है. डायनेमिक डिरेंजमेंट नहीं, कोई एक्सटर्नल कॉज है, उसको फिल्टर आउट करो पहले, पहला काम यही है, एक्सटर्नल कॉज सारे हटा दो. अब एक्सटर्नल कॉज हटा दिए, जो इनर डायनेमिक कॉज है उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, दैट इज द प्योर sign and symptoms, that is the pure morbid symptoms, and that will form our totality in the end. So, kya bol raha hai? Any one of these may occasion disease condition, hence so named. If the cause be removed, the disease condition disappears spontaneously. Cause hata diya, disease condition apne aap chala gaya. Provided there is no fundamental chronic miasmatic cause present. Chala jayega. पर अगर कोई इनर डायनेमिक मायाजमेटिक क्रॉनिक कोई फोर्स है जो हमारे वाइटल फोर्स को डिरेंज कर रही है, तो कॉज हटाने के बाद भी वो साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखते रहेंगे, एंड दैट इज द प्योर साइन एंड सिम्टम्स. अब यहां पर इट लिखा है, इसका इंपॉर्टेंस हमारे फुटनोट में है. अब हमने जैसे ये दो लाइन पढ़ी, अब यहां पर वन लिखा हैज टू बी रिमूव के आगे, अब यहां पर हम फुटनोट पे आएंगे. ऐसे ही पढ़ा जाता है, फुटनोट को जहां पर मेंशन किया है तुरंत उतना पढ़ो, समझो, फुटनोट पे आओ, क्योंकि वो वहां से कनेक्ट कर रहा है हनीमैन, कि यहां पर आपने ये बताया, अब ये चीज से कनेक्ट करके फुटनोट पढ़िए कि क्या बता रहा है उसमें. तो फुटनोट में क्या कह रहा है हनीमैन, इट इज नॉट नेसेसरी टू से दैट एवरी इंटेलिजेंट फिजिशियन वुड फर्स्ट रिमूव दिस वेयर इट एग्जिस्ट. ये कोई बताने की बात नहीं, ये कोई समझाने की बात नहीं है कि हर एक इंटेलिजेंट फिजिशियन, इंटेलिजेंट यूज कर रहा है, एक एडजेक्टिव यूज कर रहा है कि समझदार फिजिशियन होगा, तो उसको ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि आपको पहले हटाना है इट. इट मतलब
आपका कॉजा ओकेजनलिस, इसीलिए यहाँ इट रखा है ब्रैकेट में। पहले आपको इस एक्साइटिंग, इस मेंटेनिंग कॉज को हटाना है, ये आपको सिखाना नहीं है मुझे, ये ऑब्वियस है, ये बहुत ऑब्वियस ही बात है। आप इतने तो इंटेलिजेंट हो ना कि पहले इसको हटाओगे, अब इसको हटाओगे फिर जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं वो प्योर है। इतना आपके अंदर कॉमन सेंस इंटेलिजेंस होनी चाहिए एज अ फिजिशियन। और जब इसको हटा दिया, द इनडिस्पोजिशन देयर अपॉन जनरली सीजेस स्पॉन्टेनियसली। इनडिस्पोजिशन हम 150 अफोरिज्म में पढ़ेंगे। इनडिस्पोजिशन हम कहते हैं स्लाइट ट्रीवियल एलिमेंट्स विच स्पॉन्टेनियसली गो इफ वी करेक्ट द डाइट एंड रेजिम। डाइट और रेजिम को मेंटेन करोगे, एक्साइटिंग कॉज मेंटेनिंग कॉज को हटा दोगे, अपने आप चला जाएगा, क्योंकि वो डायनेमिकली डिरेंज नहीं करता है वाइटल फोर्स को, प्योर सिम्टम नहीं है वो, वो अपने आप चले जाएंगे अगर उसका कॉज या मेंटेनिंग कॉज हटा दोगे तो, और थोड़ा डाइट एंड रिजिम इंप्रूव कर दोगे तो। अब कर दिया, इंटेलिजेंट फिजिशियन हो, इट को कॉज ऑफ को रिमूव कर दिया, तब भी कुछ आ रहा है तो वो प्योर है। अब यहां पर इन्होंने ऐसे ही एग्जाम्पल दिए हैं, ही विल रिमूव फ्रॉम द रूम स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर्स विच हैव अ टेंडेंसी टू कॉज सिंकोप एंड हिस्टेरिकल सफरिंग। कुछ लोग होते हैं जिनको छोटी छोटी स्मेल से बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं, उनको उस स्मेल से, उस चीजों से बहुत दिक्कत होती है, हिस्टेरिकल हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंकोप काइंड ऑफ कंडीशन में चले जाते हैं। तो ये इंटेलिजेंट फिजिशियन को बताने की जरूरत नहीं है कि पहले ये फ्लावर्स वहां से हटाओ। फ्लावर्स हटा दिए, कॉज हट गया, एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज हट गया, अब फिर भी हो रहा है तो दिक्कत है, तो फिर उठाओगे। फिर नहीं हो रहा है तो हटा दो उसको, मेंटेनिंग कॉज एक्साइटिंग कॉज को हटाओ, उसको बताओ कि ये इसकी वजह से हो रहा था, खत्म, इनडिस्पोजिशन था, चला गया। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कॉर्निया द फॉरेन बॉडी दैट एक्साइट्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई। अब फॉरेन बॉडी है आई में या कहीं भी, नीचे एक और फॉरेन बॉडी का एग्जांपल है, नीचे देखो कि एक्सट्रैक्ट फॉरेन सब्सटेंस दैट मे हैव गॉट इनटू द ऑरिफेस ऑफ द बॉडी। अब जब तक वो फॉरेन सब्सटेंस को तुम हटाओगे नहीं, तो क्या उससे जो आई हुई परेशानी है वो चली जाएगी, उससे आई हुई दिक्कतें चली जाएंगी, तुम लाख दवाई देते रहो। तो ये इंटेलिजेंट फिजिशियन को बताने की जरूरत नहीं है कि पहले इस टेंजिबल मैनिफेस्ट, ये फ्लावर हमें दिखता है, ये जो हमारे अंदर ये फॉरेन बॉडी आ रही है हमें दिखती है, इसको हटा दो, टेंजिबल है, मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज है, दिख रहा है हमें, इसको हटा दो। इसको हटा दिया फिर भी वहां पर वो चीज कंटिन्यू कर रही है, तो वो इंटरनल डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स की वजह से है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप हर एग्जाम्पल को पढ़ना बाद में और समझना इसी बात को जो ऊपर रेड में हमने हाईलाइट करी है। अब क्या है, टू फाइंड अ कलेक्शन ऑफ प्योर सिम्टम, ये हमारा पर्पस है। अब ये पर्पस पूरा कैसे होगा, एक हमने पढ़ लिया रिमूवल ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कॉजा ओकेजनलिस, कॉजा ओकेजनलिस एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज को हटा दो, फिल्टर आउट कर दो, तो प्योर चीजें मिल गई। दूसरा एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, रिमूवल ऑफ द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल एंड द इफेक्ट्स ऑफ रॉन्ग मेडिकेशन। अगर आप लोग के पास किताब है तो जिसके पास भी हो, एक बार अफोरिज्म 204 खोलो, माइक ऑन कर लो जिसके पास किताब है, और एक बार अफोरिज्म 204 की पहली दो तीन लाइन पढ़ो। इसी के बाद किताब नहीं है क्या, बिना किताब के आए हो? अमिताभ, अभिषेक, कोई भी पढ़ो। हेलो, हाँ पढ़ो सर, 204 का पढ़ो। इफ वी डिडक्ट ऑल क्रॉनिक अफेक्शन एलमेंट एंड डिजीजेस दैट डिपेंड ऑन अ परसिस्टेंट अनहेल्दी मोड ऑफ लिविंग, यहाँ अनहेल्दी मोड ऑफ लिविंग, इसको अंडरलाइन करो, अनहेल्दी मोड ऑफ लिविंग, आगे पढ़ो। एज ऑल्सो दोज इननुमरेबल मेडिसिनल मैलेडीज, अब यहाँ पर मेडिसिनल मैलेडीज, इसको अंडरलाइन करो। यहाँ हनीमन कह रहा है कि यही, इफ वी डिडक्ट ऑल क्रॉनिक अफेक्शन एलिमेंट्स एंड डिजीज दैट डिपेंड ऑन अ परसिस्टेंट अनहेल्दी मोड ऑफ लिविंग, लाइफ स्टाइल, लिविंग रॉन्ग लाइफ स्टाइल,
उल्टे सीधे तरीके से रहने की वजह से जो चीजें आ रही हैं उसको हटा दो, डिडक्ट कर दो. और क्या, ऑल्सो दोज इन्यूमरेबल मेडिसिनल मेलेडीज, उल्टी सीधी दवाई ववाई खा के जो सिम्टम आते हैं उसको हटा दो, उसको डिडक्ट कर दो. अब ये रॉन्ग लाइफस्टाइल डिडक्ट कर दिए, उल्टी सीधी मेडिसिन खाने की वजह से चीजें आती हैं वो डिडक्ट कर दिए, कॉज ऑकेजनलिस्ट डिडक्ट कर दिए, तो ये जो बचेगा ना इस पे ही प्रिस्क्राइबिंग होगी. ये है प्योर सिम्टम, इससे ही टोटैलिटी बनेगी. अगर इसको नहीं हटाओगे गलत टोटैलिटी बनाओगे, गलत सिम्टम की डेफिनेशन समझोगे, गलत प्रिस्क्राइबिंग करोगे. ये स्टेप नहीं करा तो, और केस टेकिंग शुरुआत से ही गलत ट्रैक पे चल दिए तो आगे तो गलत होना ही होना है. केस टेकिंग ही आपको आगे ले जाके मेडिसिन तक पहुंचाती है. अगर आपने केस टेकिंग नहीं पढ़ी, आपने अफोरिज्म 7 नहीं पढ़ा, आपने ऑर्गनॉन पे ध्यान नहीं दिया, तो आप मटेरिया तक पहुंच तो जाओगे लेकिन जो तरीके से पहुंचोगे ना वो तरीका ही गलत होगा, तो जो मेडिसिन पे पहुंचोगे वो मेडिसिन भी गलत होगी. शुरुआत में ही इसमें ही आप अगर ऑर्गनॉन की बुक पढ़ते हो तो बहुत शुरुआत में प्रोफेसर एल एम खान सर का एक इंट्रो टाइप का बेसिक दिया हुआ है जिसमें उन्होंने गाउन पेन के बारे में बताया है. उसके पहले उन्होंने एक अपने गुरु का एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है. उस कोटेशन को कभी किसी ने पढ़ा है? वो कोटेशन कहता है, इफ मटीरिया मेडिका इज अ हॉर्स देन ऑर्गनॉन इज इट्स रेन्स दैट वुड गाइड टू इट्स अल्टीमेट डेस्टिनेशन. अगर मटीरिया मेडिका एक घोड़ा है जिसको आपको दौड़ाना है, तो जो उस घोड़े को कंट्रोल करने की लगाम होगी ना वो ऑर्गनॉन है. घोड़ा कंट्रोल करना नहीं सीखोगे तो बेलगाम भागेगा, चार को मारेगा. इस घोड़े को लगाम में लाने के लिए ऑर्गनॉन पढ़ना बहुत जरूरी है. इसी वजह से ये अफोरिजम्स में जो चीजें लिखी हैं ये थ्योरेटिकल लगती हैं, ये आप एग्जाम्स में सीखने के लिए पढ़ते हो, पर इसका प्रैक्टिकल यूसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपकी क्लिनिक में काम आएगा, ये आपकी प्रिस्क्राइबिंग में काम आएगा. एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज नहीं हटाओगे, रॉन्ग लाइफस्टाइल नहीं हटाओगे, रॉन्ग मेडिकेशन नहीं हटाओगे, तो क्या उठाओगे? हाँ चलो यही तो मेन है, यही तो हमारा मेन सिम्टम है, इसको मैच करते हैं मटीरिया से मैच किया, प्रिस्क्राइब कर दिया, पेशेंट को कोई फायदा नहीं हुआ. अब आप सोचे पड़े हो यार सिम्टम भी ये है, मटीरिया में भी यही सिम्टम लिखा है, टोटैलिटी एकदम मैच कर रही है, गलती कहाँ हो रही है? गलती यहां हो रही है, गलती आपकी कॉज ऑकेजनलिस की हटाने में हो रही है, रॉन्ग लाइफस्टाइल्स को हटाने में हो रही है, रॉन्ग मेडिकेशन के सिम्टम्स को हटाने में हो रही है. इसको राशिद सर, डॉक्टर राशिद अख्तर कहते हैं साइफरिंग द सिम्टम. ये सिम्टम्स को साइफर करना आना चाहिए, नहीं करोगे तो गलत सिम्टम उठाओगे, गलत प्रिस्क्राइबिंग करोगे. अब आते हैं वापस 7 पे. अब आगे सर, हेलो बोलो सर, ये जो दोनों है अनहेल्दी मोड ऑफ लिविंग एंड ऑल मेडिसिनल मेलेडीज, ये दोनों तो ऑब्स्टेकल टू रिकवरी में ही आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा. ओके सर, अब हम क्या आगे बढ़ते हैं. हमने क्या पढ़ा पहले कि नाउ एज इन डिजीज फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज ओकेजनलिस हैज टू बी रिमूव्ड. अब हमने फुटनोट में जाके पढ़ा कि इंटेलिजेंट फिजिशियन को बता दिया गया भैया हटा दो, हटाओगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, इंटेलिजेंट हो तो हटा दो, हटा दिया. अब जब हटा दिया अब ये हटाने की जरूरत नहीं है. अब जो मिल रहा है, वी कैन परसीव नथिंग बट द मॉर्बिड सिम्टम्स, इट मस्ट बी द सिम्टम्स अलोन बाय विच द डिजीज डिमांड्स एंड पॉइंट्स टू द रेमेडी सूटेड टू रिलीव इट. अब यही सिम्टम है जो हमें रेमेडी तक ले जाएंगे. ये जो प्योरिटी ऑफ सिम्टम्स हुई है, ये जो फिल्ट्रेशन हुआ है, अब जो हमें मिल रहा है यही आपको सिम्टम्स, यही सिम्टम्स आपको टोटैलिटी बनाएंगे, यही टोटैलिटी आपको मेडिसिन तक ले जाएगी. अब ट्रू सिम्टम होता क्या है, ट्रू सिम्टम की डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे जो इस अफोरिज्म में हमें बताई गई है. द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनली डायनेमिकली डिरेंज वाइटल फोर्स और इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज दैट इज ऑफ द अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स डिस्क्राइब बाय द पेशेंट, Told by the attendant and observed by the physician. ये filter out करने के बाद जो internal dynamically deranged, not by some external cause, not by some tangible cause, not by a cause that you can manifest, it is dynamic in origin. ये dynamic internal deranged vital force होगी, उसकी वजह से जो outward reflection होगा,
यही कॉज की वजह से जो बाहरी एक्सप्रेशन हो, बाहरी एक्सप्रेशन को कहते हैं साइन एंड सिम्टम्स, ये होता है ट्रू सिम्टम की डेफिनेशन, और यही आपका ट्रू सिम्टम कॉन्स्टिट्यूट करेगा, यही ट्रू सिम्टम्स को मिला के आप टोटैलिटी बनाओगे, यही आपकी टोटैलिटी से मिनिमम तक पहुंचाएगी आपको। और इसमें और क्या लिखा है जो हमने सिक्स्थ अवरिज्म में पढ़ के आए हैं, कि पेशेंट बताएगा, आप ऑब्जर्व करोगे, अटेंडेंट से पूछोगे, ये हम पढ़ के आ रहे हैं। राशिद सर बहुत अच्छी एक बात कहते थे हमारी क्लास में, जब हम लोग को फर्स्ट ईयर में पढ़ाते थे, तो फर्स्ट ईयर में राशिद सर हमसे पूछते थे कि तीन चीजें बताओ जिससे डिजीज को आप प्रेजेंस जान सकते हो, व्हाट आर द थ्री वेज बाय विच डिजीज शोज इट्स प्रेजेंस और बाय विच द डिजीज डिमांड्स इट्स रेमेडी, कौन सी वो तीन चीजें होती हैं। अब हम लोग सब लोग फर्स्ट ईयर में जानते कम थे, पढ़ा कम था, सब लोग सोचने में लग गए क्या होगा, एक तो सिम्टम तो पता है सबको कि हाँ सिम्टम बोलना है, पर और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा। और फिर सर बहुत ही अच्छे तरीके से कहते थे, फर्स्ट इज सिम्टम, सेकेंड इज सिम्टम एंड थर्ड इज सिम्टम। सिम्टम ही वो आउटवर्ड रिफ्लेक्शन है जो आपको सिमिलिमम तक ले जाएगा, यही साइन एंड सिम्टम्स आपको सिमिलिमम तक ले जाएंगे और कुछ नहीं। अब टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स, अब हमने ये फिल्टर आउट कर दिया, हमने बता दिया ये फिल्टर आउट कैसे करना है, हमको पता है कि फिल्टर आउट होके प्योरिटी ऑफ सिम्टम निकलेगा। अब इस सिम्टम जो प्योर निकले हैं, इन सिम्टम से टोटैलिटी किसको कहते हैं, टोटैलिटी कैसे बनाएंगे। द टोटैलिटी ऑफ सिम्टम इज द क्वालिटेटिव एग्रीगेट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अरेंज इन अ फिलोसॉफिकल वे दैट रिफ्लेक्ट्स एन इंडिविजुअलिटी। ये डेफिनेशन है टोटैलिटी की, लिख लेना, सर की ही बताई हुई है। और इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव, रादर अ क्वालिटेटिव टोटैलिटी। अब ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या होता है, क्यों हम बोलते हैं इधर क्वांटिटेटिव टोटैलिटी, क्यों हम बोलते हैं इधर क्वालिटेटिव टोटैलिटी, ऐसा क्यों बोलते हैं हम, कोई बताएगा। कि सिक्स्थ में जो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनता है उसको हम क्वांटिटेटिव टोटैलिटी कहते हैं, सेवेंथ में जो टोटैलिटी ऑफ सिम्टम बनता है उसको हम क्वालिटेटिव टोटैलिटी बोलते हैं। इसका रीजन क्या है, व्हाई इट इज क्वांटिटेटिव एंड व्हाई दिस इज हैविंग सम सर्टेन क्वालिटीज इन इट, कोई बताएगा। सर सिक्स्थ अफोरिज्म में जैसे आपने बताया कि उसमें उसमें जो हम लोग सिम्टम लेते हैं उसमें हम लोग टोटल सिम्टम मतलब शुरुआत से लेके अंत तक उसमें हम लोग अडल्ट्रेटेड सिम्टम लेते हैं, मतलब कि हम लोग उसमें किसी भी तरह का रिफाइन नहीं करते हैं कि ये कौसा ओकेजिनलिस की वजह से सिम्टम प्रोड्यूस हुआ है या ये सिम्टम इंडिविजुअल का है, ये सब हम लोग उसमें नहीं करते, उसमें हम लोग शुरुआत से हेड टू टो सारे सिम्टम ले लेते हैं। फिर सर सेवन में जब हम उसे रिफाइन कर देते हैं, जब हम लोग उसको कॉजा ओकेजनैलिस और ये इन सब चीजों को हटा के जो उसकी इंडिविजुअल जो असली डिरेंजमेंट की वजह से जो उसके सिम्टम प्रोड्यूस हुए हैं जब हम उसको लेते हैं तो वो क्वालिटेटिव हो जाता है, क्योंकि उससे हम इंडिविजुअल की क्वालिटी को देख रहे हैं तो इसलिए इसको क्वालिटेटिव बोलते हैं। चलो गुड एक्सप्लेनेशन, डिरेंजमेंट उसकी है, डायनेमिक वर्ड भी यूज करा करो साथ में, डायनेमिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर। चलो अब एक बार एक और चीज इसमें समझने की जरूरत है, ये क्वालिटेटिव टोटैलिटी में, ये जो क्वालिटेटिव टोटैलिटी है इसकी क्वालिटी जज कैसे करोगे, ये क्वालिटीज कहां मेंशन करी है हनीमैन ने, ये क्वालिटीज मेंशन करी है डॉक्टर हनीमैन ने अफोरिज्म 153 में जो आगे हम पढ़ेंगे। 153 अफोरिज्म एक बार अपनी अपनी बुक्स में खोलो और एक बार 153 अफोरिज्म रीड आउट करो कोई भी। In this search for a homeopathic specific remedy, that is to say, in this comparison of the collective symptom of the natural disease with the list of symptoms of known medicine, in order to find among these an artificial morbific agent corresponding by similarity of the disease to be cured. The more striking, singular, अनकॉमन एंड पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम, इसको मार्क कर लो, ये चीज को हाईलाइट कर लो और नीचे लिख दो अफोरिज्म 7 वहां पर। ये जो बोल रहे हैं डॉक्टर हनीमैन, द मोर स्ट्राइकिंग सिंगुलर अनकॉमन पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम्स,
ये है वो क्वालिटीज जो आपकी क्वालिटेटिव टोटैलिटी बनाती हैं, ये है वो मापदंड जिस पे हमें सिम्टम्स को डालना है जो आपकी क्वालिटेटिव टोटैलिटी बनाएगी, ये है वो अनकॉमन पिक्यूलियर स्ट्राइकिंग सिंगुलर कैरेक्टरिस्टिक, ये है वो क्वालिटीज। बाकी डिस्कशन जब हम ये अफोरिज्म पढ़ेंगे तब करेंगे इसके बारे में। अभी 153 के नीचे अफोरिज्म 7 लिख दो, और अफोरिज्म 7 में ये जो मेंशन किया है वहां पर एक बार 153 भी मार्क कर लेना। अब हमने इतना पढ़ लिया इस अफोरिज्म में, हमने मेन मेन क्या बात पढ़ ली कि डिजीज है उसमें आपने एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज हटा दिया है, आपने एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज हटा दिया। पहले हमने क्या किया, 6 से हम चालू करते हैं, हमने 6 में एक पोर्ट्रेट बनाई, सब कुछ लिया और इकट्ठा हो गया। अब ये सब कुछ लेके इकट्ठा हुआ, अब इसमें से छन्नी लाओ, फिल्टर आउट करो। अब ये छन्नी किसकी बनी होनी चाहिए, एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज को जो फांस ले, जो हटा दे, इसको हटा दिया, रॉन्ग लाइफस्टाइल की चीजों को हटा दे और रॉन्ग मेडिकेशन की चीजों को हटा दे। अब ये हट के जो निकला दैट इज द प्योर सिम्टम, दैट इज द प्योर सिम्टम। अब इस प्योर सिम्टम से हमारी टोटैलिटी बनेगी, इस टोटैलिटी की क्वालिटी को जज करने के लिए अफोरिज्म 153 कि कैसे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब ये सब मिल गया तो मस्ट बी द प्रिंसिपल और द सोल मींस वेयर बाय द डिजीज कैन मेक नोन व्हाट रेमेडी इट रिक्वायर्स। अब यहां पर ये जो प्रिंसिपल, सोल, ओनली, फिर से प्रिंसिपल, इंडीड दी ओनली, ये इतना मार्क जो कर रहा है ना, हनीमन कितना स्ट्रेस कर रहा है इस बात पे, आप देखिए, मस्ट बी द प्रिंसिपल और द सोल मींस वेयर बाय द डिजीज कैन मेक नोन व्हाट रेमेडी इट रिक्वायर्स, द ओनली थिंग that can determine the choice of the most appropriate remedy, and thus in a word the totality of symptom must be the principle, indeed the only thing that physician has to take note of. Kitna stress kar raha hai is baat pe ki yahi hai jis pe aapko dawai deni hai, kitni baar usne ek hi adjective ko double baar use kar kar ke ki aap bhulo mat, aap ye bhulo mat ki yahi aapki totality banayega. Take note of nothing but this in every case of disease and has to remove by means of his art in order that it shall be cured and transformed into health. Ab aapne ye totality ko leke simulum de diya, ab jo ye dene ke baad cure karoge to kya bachega, health bachegi, aur ye health ke bare mein hum aphorism 8 mein padhte hain. Ab iske totality of symptoms ke sath iska dusra footnote related hai, iske dusre footnote pe aate hain aphorism 7 ke. Ab ye सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट लिखा है वर्सेस सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट लिखा है, इसके बारे में कोई बताएगा? अभी शायद आपके पता नहीं फोर्थ ईयर में ही ये पूछा गया था, वैसे तो क्वेश्चन था आपके एग्जाम में ही शायद, और व्हाट इज सिम्टोमैटो सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट शायद ये पूछा गया था, तो आप बता सकते हैं कि क्या सिम्टोमैटिक किसको बोलते हैं, सिम्टोमेटोलॉजिकल किसको बोलते हैं, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, कोई बताएगा? कोई भी बताएगा इस बारे में, किसी को भी पता है? विभोर? हाँ सर, इसके बारे में बताओगे कि सिम्टोमैटिक और सिम्टोमेटोलॉजिकल में डिफरेंस क्या होता है? सर सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट जो है उसमें हम सिंगल सिम्टम को कंसीडर करते हैं, जैसे एनांशियोपैथी, एलोपैथी, इन सब में, और सिर्फ उस सिम्टम को कंसीडर करते हुए उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसको हैनेमैन ने इस सेवेंथ अफोरिज्म के सेकंड फुटनोट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहा है, और होम्योपैथी को हम लोग सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंडर कंसीडर करते हैं। क्यों, ये फर्क क्या है? सिम्टोमेटिक वो कहा कि इसको नहीं करना, हमारा सिम्टोमेटोलॉजिकल है, इसमें फर्क क्या है हमारे और उनमें? सर हम लोग जो है पिक्यूलियर सिम्टम्स की तरफ ज्यादा ध्यान रखते हैं, और एलोपैथ्स जो है वो ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन जो है वो जो पेशेंट उस टाइम प्रेजेंट कर रहा है उस सिम्टम पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि वो पिक्यूलियर सिम्टम हो उसका, तो वो उसको इंडिविजुअलाइज नहीं कर रहा है, ये चलो कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, पर जो मेन बात यहाँ पर बता रहे, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही था कि सिम्टोमेटिक इज व्हाट द ओल्ड स्कूल से उनका ट्रीटमेंट को, सिम्टोमेटोलॉजिकल को हम होम्योपैथिक बोलते हैं, बहुत लोग सिम्टोमेटिक को होम्योपैथिक कह देते हैं।
हम क्या बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि सिम्टोमैटिक और सिम्टोमैटोलॉजिकल, जैसा विभोर ने बताया कि हाँ ये सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट होता है वो आपका एलोपैथिक ट्रीटमेंट वाली बात होती है, सिम्टोमैटोलॉजिकल होता है ये आपका होम्योपैथिक होता है। अब हनीमन ने यही बताया कि ये सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट होता क्या है, इसके बारे में इस फुटनोट में बताया है डॉक्टर हनीमन ने। इन ऑल टाइम्स द ओल्ड स्कूल फिजिशियंस नॉट नोइंग हाउ एल्स टू गिव रिलीफ हैव सॉट टू कॉम्बैट एंड इफ पॉसिबल टू सप्रेस बाय मेडिसिन, या तो कॉम्ब लड़ते थे या तो सप्रेस कर देंगे, क्योर नहीं करते थे, ठीक नहीं करते थे, रिस्टोर नहीं करते थे हेल्थ को। हेयर एंड देयर अ सिंगल सिम्टम फ्रॉम अमंग अ नंबर इन डिजीज अ वन साइडेड प्रोसीजर, बहुत सारे सिम्टम मिल रहे हैं कोई एक सिम्टम उठा के कोई दे रही दवाई, बहुत सारे सिम्टम मिल रहे हैं कोई एक सिम्टम उठा के कोई दे रही दवाई, यही फर्क आता है आपका सिम्टोमैटिक में और सिम्टोमैटोलॉजिकल में। सिम्टोमैटिक इज बहुत सारे में से एक सिम्टम उठाया दवाई दे दी, सिम्टोमैटोलॉजिकल इज टेकिंग द टोटैलिटी, हैविंग द वे ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, होलिज्म को टोटैलिटी को लेके इंडिविजुअलाइज करना और उस पे देना, इज सिम्टोमैटोलॉजिकल इज होम्योपैथिक इन नेचर। सिम्टोमैटिक इज बहुत सारे में से एक उठाया उस पे दवाई दे दी, टोटैलिटी नहीं बनाई, बस एक चीज उठाई दे दो, एक वन साइडेड प्रोसीजर है which under the name of symptomatic treatment has justly excited universal contempt, universally contempt kara jata hai is baat ko isi wajah se, because by it not only was nothing gained but much harm was inflicted, kuch gain to kiya nahi, kisi ko theek to kiya nahi, barbaad bahuton ki zindagi kar di yahi ek symptom pe prescribe karne ke chakkar mein. A single one of the symptoms present is no more than disease itself than a foot is the man himself. ये एक सिम्टम डिजीज नहीं बनाता, वैसे ही जैसे एक आदमी का पैर पूरा आदमी नहीं बनाता। टोटैलिटी, स्ट्रेस ऑन टोटैलिटी हनीमन कह रहा है, एक सिम्टम से डिजीज नहीं बनता है, टोटैलिटी से वो डिजीज इंडिविजुअल पे हमें टोटैलिटी उठानी होती है। एक सिम्टम उठाओगे तो सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट करोगे, सप्रेस करोगे, वन साइडेड प्रोसीजर अपनाओगे। एक टांग से इंसान डिफाइन नहीं किया जाता, उसके सारे फीचर्स लेने पड़ते हैं, हाथ टांग नाक पैर मुंह फीचर्स सब कुछ। ऐसे ही हमें एक सिम्टम पे दवाई नहीं देनी है, एक सिम्टम पे डिफाइन नहीं करना है, टोटैलिटी ऑफ सिम्टम बनानी है, सिम्टोमैटोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है। दिस प्रोसीजर वॉज सो मच द मोर रिप्रेहेंसिबल दैट सच अ सिंगल सिम्टम वॉज ओनली ट्रीटेड बाय एन एंटागोनिस्टिक रेमेडी, देयर फॉर ओनली इन एनशियोपैथिक एंड पैलिएटिव मैनर। एंटागोनिस्टिक रेमेडी से ट्रीट कर रहे हैं, एनशियोपैथिक या पैलिएटिव मैनर में क्योर तो करेंगे नहीं, सिमिलर रेमेडी यूज नहीं कर रहे हैं, सिमिलम लॉ यूज नहीं कर रहे हैं, टोटैलिटी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, एक सिम्टम उठाओ जो अपोज करे उस सिम्टम को वो दे दो, खत्म करो, पैलिएट हो जाएगा, थोड़ी देर के आराम मिलेगा, जितना आराम नहीं मिलेगा उतना तो दिक्कत बढ़ जाएगी, करो लेकिन कुछ और तो आता नहीं है। वेयर बाय आफ्टर अ स्लाइट एलिवेशन इट वॉज सब्सिक्वेंटली ओनली रेंडर्ड ऑल द वर्स, और जितने भी बार ऐसा ट्रीटमेंट करा गया है डॉक्टर हनीमन कह रहे हैं थोड़ा सा आराम मिलेगा लेकिन फिर सब खराब हो जाएगा, फिर सब सिचुएशन वर्स की टूवर्ड्स लीड करेगी, आराम कंटिन्यू नहीं होगा। छोटे से आराम के लिए हमें ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करना है कि थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, सप्रेस थोड़ा सा कर देंगे, पैलिएट कर देंगे, नहीं, आपको टोटैलिटी बनानी है, आपको सारे सिम्टम्स लेने हैं, प्रिजडिस नहीं दिखाना है, ठीक है ना, अनप्रिजडाइज होना है और फिर आपको ट्रीट करना है। यू हैव टू डू सिम्टोमैटोलॉजिकल ट्रीटमेंट नॉट सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट। समझ में आया ये बात? और किसी को इस अफोरिज्म में कोई डाउट है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, कोई है तो अभी पूछो। किसी को भी कोई डाउट? थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर, सिम्टोमैटिक सिम्टोमेटोलॉजिकल का डिफरेंस समझ गए, कॉज ऑफ केजनेलिस हटाने का मतलब समझ गए, टोटैलिटी ऑफ सिम्टम किसको कहते हैं समझ गए, सिम्टम किसको कहते हैं समझ गए, ये सारे क्वेश्चन हैं। डिफाइन सिम्टम, डिफाइन टोटैलिटी ऑफ सिम्टम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिम्टोमैटिक एंड सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट,
इज सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट होम्योपैथिकल इन नेचर? नहीं. ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब डाउट्स होने चाहिए, ये सब डाउट्स क्लियर होने चाहिए. किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट है? नहीं है तो फिर एंड करते हैं. कल आखिरी सेक्शन का 8th अफोरिज्म करेंगे और फिर ये सेक्शन एंड करके थोड़ा मटेरिया पे आएंगे. फिर थोड़े दिन बाद हम वाइटल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट चालू करेंगे 9th अफोरिज्म से जो है हमारा. किसी को कोई डाउट? या किसी को एक और चीज में पूछना चाह रहा था, किसी को जो फोर्थ से हमने चालू किया है अभी, जो ये ऑनलाइन वाला चीज चालू करी है, किसी को फोर्थ से पहले वाले का कुछ पढ़ना है, किसी को कुछ सीखना है, किसी को कोई डाउट है इंट्रोडक्शन पार्ट में, प्रीफेज में, बेसिक ऑर्गेनॉन के टाइटल पेज में क्या क्या दिया है, 1, 2, 3 अफोरिज्म में, किसी को कोई डाउट या किसी को कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो वो भी बता देना, डाउट्स में डाल देना या ग्रुप में भेज देना, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे ऑनलाइन. ठीक है, चलो फिर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू.